हेलो दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल मोबाइल पाठशाला पाठशाला आप सारे बच्चों का एक बार फिर से पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की जो एस एस सी का एग्जाम देने गए थे आज तो उनका कहना था कि जो दो दिसंबर का एग्जाम है वो काफी मॉडरेट है फर्स्ट दिसंबर के एग्जाम के कम्पेरिजन में तो आज मैं बात करूंगी की आपको अपने सेकेंड यानी आने वाले जो आपका शिफ्ट होगा उसमें आपको कैसे एग्जाम देना है एंड किस, कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एंड कितना कैसे टाइम मैनेजमेंट करके चलना है और बिल्कुल अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो आप इस बार आप क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे इन साथ ही साथ सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की क्या टेक्निक होती है और कितना स्कोर करने के बाद आपके मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो सकते हैं या फिर इंक्रीज हो सक इंक्रीज हो सकते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो हमारा एस एस सी जो टेक्निक फॉलो करता है उसके बारे में हम बात करेंगे तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वन ट्वेंटी स्कोर किया है तो क्या आपके मार्क्स डिक्रीज़ होंगे या इंक्रीज होंगे क्योंकि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो उसमें आपके मार्क्स बढ़ते हैं घटते हैं ये सब आपको पता है तो नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक क्या होती है उस पर हम बात करेंगे तो देखो ये जो फॉर्मूला है इसी के अकॉर्डिंग एस जो है नॉर्मलाइजेशन करता है सबसे पहले हम बात करेंगे एम आई जे की एम आई जे जो आप देख रहे हैं ठीक है इस एम आई जे का मतलब होता है आपका अपना स्कोर जो आपने अपने शिफ्ट में किया हुआ है एम क्यू टी ये जो एम क्यू टी आप देख रहे हैं ये आपका है टॉप पॉइंट परसेंट मार्क्स इन ऑल शिफ्ट्स मतलब जितने बच्चे सभी शिफ्ट के बच्चों के टॉप पॉइंट परसेंट मार्क्स सभी शिफ्ट के बच्चों का इसमें होता है एम जी क्यू मीन्स होता है एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट एवरेज मार्क्स सभी शिफ्ट के बच्चों का इसमें होता है ठीक है एम टी आई मीन्स होता है टॉप जीरो पॉइंट वन परसेंट मार्क्स ऑफ ऑल सिफ्ट इन योर शिफ्ट मतलब आपके शिफ्ट में जो टॉप जीरो पॉइंट वन परसेंट मार्क्स हैं बच्चों के वो हम इसमें ऐड करते हैं और एम आई क्यू ये एवरेज मार्क्स होते हैं आपके शिफ्ट के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स मतलब आपके शिफ्ट में जो बच्चे एवरेज मार्क्स स्कोर किए हैं वो इनके मार्क्स होते हैं एम आई जे आपका मार्क्स आपके शिफ्ट में आपका स्कोर होता है एम आई क्यू एवरेज मार्क्स ऑफ योर शिफ्ट एम आई क्यू क्या है आपके शिफ्ट के एवरेज मार्क्स और एम क्यू एन एन एवरेज मार्क्स होते हैं कैंडिडेट के इन योर शिफ्ट इन ऑल शिफ्ट सॉरी सभी शिफ्ट के जो सबसे सबसेस्ट शिफ्ट uh, हुए उनमें जो एवरेज एवरेज मार्क्स होते हैं सभी स्टूडेंट्स के वो हम इसमें ऐड करते हैं समझ में आई बात सभी शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स होता है स्टूडेंट्स के वो हम इसमें ऐड करते हैं तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं थ्री पार्ट्स में है ना पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ठीक है ना तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक होता है एंड अब देखो ये इसमें क्योंकि सभी शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स हैं इसमें तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो सकते राइट ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है और ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता है इसका नेगेटिव होने का चांस है ये आपके शिफ्ट के एवरेज स्टूडेंट मार्क्स हैं स्कोर स्कोर उन्होंने कितना किया हुआ है एंड ये आपका आपकी शिफ्ट में आपका स्कोर है तो आपने अगर इन एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा कुछ स्कोर किया है तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा वहां पर आपका स्कोर यानी आपका नंबर वहां इंक्रीज हो हो सकता है और अगर आपने इन एवरेज स्टूडेंट से कम किया है तो फिर आपका वहां पर डिक्रीज हो जाएगा ठीक है तो इंक्रीज होना डिक्रीज होना वो डिपेंड करता है कि आपने एवरेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आपने कितना ज़्यादा स्कोर किया है अगर आपने कम किया है तो आपका वहाँ पर स्कोर कम हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा किया है तो आपका स्कोर ज़्यादा हो जाएगा आपके शिफ्ट के एवरेज स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में ये वहां पर जो है डिपेंड होता है तो ये हमारी नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक है और इसी टेक्निक पर नॉर्मलाइजेशन एसएससी में होता है ठीक है ना तो आपको उसी हिसाब से आप अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि अपने शिफ्ट में आपके सभी स्टूडेंट से आपको अच्छा अटेम्प्ट करना है ज्यादा अटेम्प्ट करना है जिससे आपका मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के नॉर्मलाइजेशन जब हो तो आपका मार्क्स उसमें डिक्रीज ना हो ठीक है अब देखो बिल्कुल अब मैं सबसे पहले आप बात करूंगी कि कट ऑफ क्या रहा 2021 का कट ऑफ क्या रहा और आपको अब उसी हिसाब से आगे बढ़ना लेकिन आप ये अपने दिमाग में मत रखिए कि पिछले साल का कट ऑफ इतना गया था तो आने वाले टाइम में भी इतना ही होगा या इससे थोड़ा एक दो पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा बिल्कुल अपने दिमाग में ये मत रखिए क्योंकि ज्यादा और कम ये अगर आप सोचेंगे तो आप बस वहीं तक सीमित रह जाएंगे आपको आगे बढ़ना है आपको अपना बेस्ट देना है तो अपने दिमाग में बस ये रखिए आप लोग ठीक है ना तो एक बार हम देखेंगे यहां पर पिछले साल का कट ऑफ एस का वन पॉइंट समथिंग ठीक है वन पॉइंट समथिंग है एस टी का 131 है ओबीसी का 153 है ई का 156 है अनरिजर्वड का 159 है ओ OH एच का 124 है एच का 101 है एंड पी का 65 है तो ये आपके टोटल कट ऑफ हैं पिछले साल के 2021 के कट ऑफ से एंड अब आपको आपको ये कोशिश इतनी ज्यादा करनी है कि आपको इनसे ज्यादा स्कोर करना है अभी मैं बात करूंगी आप लोगों को कि आपको एग्जाम में जो अभी आपके एग्जाम हैं टीयर वन के इसमें आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ठीक है इसके बारे में हम बात करेंगे देखो आपका जो टीयर वन है वो क्वालिफाइंग है आप सभी को पता है अगर आपने क्वालिफाइंग क्वालिफाई कर लिया ये टीयर वन तो आप टीयर टू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे टीयर टू के एग्जाम में आप अपीयर हो पाएंगे तो इसमें आपको क्वालिफाई करना ही करना है इसको हम कैसे क्वालिफाई करें टोटल आपका दो नंबर का ये पेपर है और सौ क्वेश्चन होते हैं टोटल आपके पास में जो टाइम है वो एक घंटे का है अब मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह से एग्ज़ाम आपका हो रहा है जिस तरह से आपकी जैसे आपका पहला शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उस उस हिसाब से हम सोचें तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हम देखेंगे तो आप रीजनिंग और मैथ्स को साथ में करिए जब भी करिए रीजनिंग एंड मैथ्स साथ में करिए क्योंकि दोनों ही दोनों क्या होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं ठीक है तो आपके ये टोटल फिफ्टी क्वेश्चन आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आप फोर्टी मिनट्स में इसको कर ले जाओ ठीक है फिर बात करेंगे हम इंग्लिश की इंग्लिश के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अगर आप एक दो क्वेश्चन छोड़ करके जितना भी आपसे अटेम्प्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा इसमें टाइम आपको नहीं लगाना है आपके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आप कोशिश करो कि आप दस मिनट में इसको कर ले जाओ एंड फिर जीएस की बात करें तो जीएस के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आप कोशिश करो क्योंकि आपसे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन तो टोटल होने वाले नहीं है तो आप इतनी कोशिश करो जीएस में कि आपके पाँच मिनट में पाँच मिनट में आपसे टोटल जीएस के क्वेश्चन जो तो है वो हो जाए ठीक है तो आप आपको अब आपको मॉक भी लगाना है ये जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मॉक लगाना है और अब आपको प्रीवियस ईयर नहीं टच करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको कर रखा होगा प्रीवियस ईयर आपने कर रखा होगा आपको मॉक कहाँ से लगाना है मैं आपको बताती हूँ अभी जो रिसेंट में आपका सीपीओ का एग्जाम हुआ है ना मॉक आपको वहां से लगाना है जो आपका सीपीओ का एग्जाम हुआ है टीसीएस ने कराया है रिसेंट के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस टीसीएस ले सकता है या कोई भी कॉन्सेप्ट उठा सकता है या जीएस में कुछ भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो प्लीज आप सीपीओ के जो शिफ्ट के अभी पेपर हुए हैं वहां से आप उन पेपर्स को सॉल्व करो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे तो सीपीओ के मॉक्स मार्क्स को आप सॉल्व करो ठीक है अब मैं आपको बताऊंगी कि आज का जो सेकंड शिफ्ट रहा है सॉरी आई मीन जो सेकंड दिसंबर का जो अभी ऑल शिफ्ट्स का एग्जाम है उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसा रहा पेपर और पहले फर्स्ट uh, दिसंबर के कंपैरिजन में जो सेकंड दिसंबर का एग्जाम हुआ है वो कैसा रहा है तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं और कैसे आपको अभी अगले शिफ्ट के बारे में कैसे आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम के को लेकर के कैसे प्रिपेयर करना है ठीक है तो अभी मैं बात करूंगा अगर अगर मैं बात करूं 2 दिसंबर 2 दिसंबर में तो जैसा कि बच्चों का मानना है कि जो एग्जाम हो रहा है अभी रीजनिंग में तो रीजनिंग रीजनिंग एंड मैथ्स ये दोनों का जो लेवल हो गया है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है कैलकुलेटिव हो गया है कैलकुलेटिव हो गया है ठीक है ना बट uh, फिर भी रीजनिंग काफी मॉडरेट रहा है रीजनिंग रीजनिंग मॉडरेट रहा है uh, जो आपका पहला दिसंबर का पेपर था वो काफी इजी था बट इस इसमें जो सेकेंड uh, दिसंबर का एग्जाम था उसमें रीजनिंग काफी मॉडरेट रहा है एंड जैसे इसमें सेकेंड uh, दिसंबर के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में बिल्कुल भी कैलेंडर या क्लॉक या डाइस एंड क्यूब बेस्ड क्वेश्चन आए ही नहीं थे बिल्कुल भी नहीं आए थे बट जो भी आए थे वो आर्थमेटिकल कैलकुलेशन के क्वेश्चन आए हुए थे रीजनिंग में सोच लो तो रीजनिंग एंड मैथ्स को साथ में आपको टाइम देना है ठीक है जितना भी चाहो तो दोनों को साथ में ही अटेम्प्ट करो ठीक है एंड इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे सेकेंड uh, दिसंबर के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की बात करूंगी मैं तो यहाँ से आपके वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन में पूछे गए थे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में अगर वोकेबलरी को मिक्स कर दिया जाए तो वहाँ से एरर हो जाना बहुत पॉसिबल uh, हो जाता है तो ये क्वेश्चन इस तरह से आया था तो ये भी काफ़ी मॉडरेट लेवल रहा है इंग्लिश का भी इंग्लिश के पेपर का मॉडरेट लेवल रहा है और करंट अफेयर बात करूं मैं अगर जीएस में करंट अफेयर के तीन से तीन से चार क्वेश्चन आए थे बाकी सब आपका जो है आर्ट एंड कल्चर था तो आपको करंट अफेयर अब आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है जो रिसेंट के अभी हो रहे हैं कुछ चीज़ें उनको भी पढ़ के जाइए आप लोग वहाँ से उसको तैयार कर लीजिए तो टोटल मैं अगर बोलूँ तो आपको अपने दिमाग में ये रख लेना है कि अब आपको ये दिमाग में मतलब यू नो एक माइंडसेट बना के जाना है कि आपको जैसे कि मैंने अभी आपको नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक बताया कि आपको अपने शिफ्ट के सभी स्टूडेंट से अच्छा स्कोर करना है तभी आपके नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है ठीक है एंड अभी मॉक लगाने के लिए आपको सी का मॉक लगाइए सी का मॉक जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो टी का रिसेंट का पेपर है तो वहाँ से काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं ठीक है ठीके? अभी मैं आपसे शाम में आप मिलूंगी शाम में हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम कैसा रहा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए इंग्लिश में और मनीष सर आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस मैथ्स में आए हुए हैं तो बने रहिए हमारे साथ में साथ शाम में जुड़ेंगे आपसे थैंक यू सो मच बाय गाइज़